जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, हमारे द्वारा जो पॉलिटिक्स सीरीज चलाई जा रही थी उसी के अंतर्गत ये हमारी अगली वीडियो है। इस वीडियो में साथियों मैं चर्चा करने वाला हूँ कि आखिर विधायिका में, संसद में और विधानमंडल में क्या अंतर होता है, यानी कि ये शब्द एक ही हैं या इनका मतलब अलग अलग होता है। और इसमें मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि राज्य का विधानमंडल क्या होता है, संसद क्या होती है, आज इनका स्ट्रक्चर समझेंगे। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होता, बुक्स में पढ़ते हैं, गूगल सर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों आप लोग यदि पढ़ाई अपनी कर रहे हो तो पढ़ाई अच्छे से करिए। यूपी पुलिस की डेट बहुत जल्दी आने वाली है, अगर आपने तैयारी सही तरीके से की है और यदि प्रैक्टिस सही तरीके से की है तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। चलिए दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं अपना मूल टॉपिक। तो दोस्तों मूल टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक यही है कि आखिर जो शब्द होते हैं, आपने तीन शब्द ज्यादा सुने होंगे, जैसे कि एक शब्द है दोस्तों संसद, संसद, एक शब्द है विधायिका, एक शब्द क्या है साथियों? विधायिका। एक शब्द आता है विधानमंडल, विधानमंडल, विधानमंडल। तो बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम आती है, वो समझने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर करके बताऊं साथियों। तो संसद, अब देखो अगर आपने विधायिका को समझ लिया, यदि आपने इस विधायिका को समझ लिया तो ये दोनों शब्द जो हैं इनको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका का मतलब होता है साथियों कानून बनाने वाली संस्था। क्या होता है? कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था। तो ये समझ में आया, विधायिका होती है कानून बनाने वाली संस्था, और यही संस्था यदि केंद्र के स्तर पर, यदि केंद्र के स्तर पर कानून बनाएगी तो उसे कहेंगे हम संसद, और यही कानून बनाने वाली संस्था यदि राज्य के स्तर पर होगी तो उसे कहेंगे राज्य का विधानमंडल। समझ में आया साथियों? विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, और यही कानून बनाने वाली संस्था यदि केंद्र के स्तर पर होगी तो उसे कहेंगे संसद, और यही कानून बनाने वाली संस्था यदि राज्यों में होगी तो उसे कहेंगे विधानमंडल। ये छोटा सा अंतर है दोनों में। इतनी बात क्लियर हुई साथियों? अब मैं आपको दोनों में अंतर करके बता देता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो पहले मैं विधायिका ऊपर लिख लेता हूं। यहां पर मैंने लिखा विधायिका, यहां लिखा मैंने विधायिका, विधायिका लिखा, विधायिका मैंने बता दिया, कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था को विधायिका कहते हैं। अब यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा, यदि आपने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले साथियों हम चर्चा करेंगे संघीय विधायिका की। पहले किसकी चर्चा करेंगे? हम करेंगे संघीय विधायिका, संघीय विधायिका यानी कि केंद्र के स्तर पर संघीय विधायिका। इसको आपने लिखा, समझा। अब संघीय विधायिका किसको कहते हैं, इसको थोड़ा समझ लो। तो साथियों संघीय विधायिका कहते हैं संसद को। किसको कहेंगे? संसद। इसको मैं जितनी आसान भाषा में हो सकता है उतनी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं ताकि आपकी समझ बेहतर हो। तो मैंने विधायिका की बात करी, तो मैंने संघीय विधायिका की बात करी। संघीय विधायिका क्या है? संसद। अब साथियों संघीय विधायिका के तीन अंग हैं। संघीय विधायिका के कितने अंग हैं? तीन अंग हैं। पहले हैं राष्ट्रपति, यहां से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति हो गए एक अंग, एक अंग हो गए आपके लोकसभा, कौन से हो गए? लोकसभा, ये हो गए लोकसभा। इसके अलावा इसका तीसरा जो अंग है ये क्या है? ये है राज्यसभा। ये क्या है साथियों? राज्यसभा। तो अब आप समझे, संसद के तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा,
और संसद इन्हीं तीनों से मिलकर के संसद बनती है। और संसद का जो गठन है साथियों, ये है अनुच्छेद 79। किसने में? यानी कि अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, और हमारी इसी संसद को बोलते हैं संघीय विधायिका। ये तो होगी संघ के स्तर पर। अब इसी विधायिका की यदि मैं चर्चा करूं राज्य के स्तर पर, तो साथियों राज्य की विधायिका भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका। यदि दोनों को तुलना करके समझोगे तो चीजें और आसान होंगी, समझ में आपके बहुत अच्छे से आएंगी। राज्य की विधायिका, तो साथियों राज्य की विधायिका क्या होती है? राज्य की विधायिका जो होती है इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विधानमंडल। यानी कि राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। यानी कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, और वही विधानमंडल क्या कह रहा था? राज्य की विधायिका। ये विधानमंडल हो गया। अब साथियों इस विधानमंडल के कितने पार्ट हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इसके जो पार्ट होते हैं, इसके भी तीन पार्ट होते हैं, इसके भी साथियों तीन पार्ट होते हैं। पहले हैं राज्यपाल। कौन हुए? राज्यपाल। यहां पर हो जाएगा विधानसभा। यानी कि जो विधानसभा होती है यह विधानमंडल का ही पार्ट होती है, विधानसभा होगी। उसके अलावा यदि मैं यहां पर लास्ट में बात करूं, ये होती है विधान परिषद। ये क्या होती है साथियों? विधान परिषद, विधान परिषद। तो अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे यानी कि विधायिका केंद्र के स्तर पर अलग होती है, राज्य के स्तर पर अलग होती है। जो केंद्र की विधायिका होती है उसको संसद बोला जाता है, और जो राज्य की विधायिका होती है उसको राज्य का विधानमंडल बोला जाता है। इतनी बात अब आप समझ चुके होंगे। अब यहां पर कुछ कुछ चीजें मैं चर्चा और कर लेता हूं। जैसे कि यदि मैं बात करूं, अब हम एक एक पार्ट उठा लेते हैं। पहले मैं संसद के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूं, पहले मैं संसद के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूं, ठीक है? यहां पर हमने उठाया संसद, संसद उठाया। अब संसद के जो दो पार्ट हैं उनकी चर्चा करते हैं, स्पेशल लोकसभा और राज्यसभा। पहले यहां पर हम लेंगे लोकसभा, पहले यहां पर हम लेंगे लोकसभा। तो साथियों लोकसभा जो होती है, लोकसभा में संविधान में यह बोला गया है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों इसकी कितनी? इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है 552। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। इसके अलावा अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितनी संख्या है। तो साथियों ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो संख्या है यह है 543। यानी कि लोकसभा में 543 वर्तमान में संख्या है। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का साथियों कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल होता है साथियों 5 वर्ष। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है। तो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, इन सदस्यों को क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है सांसद। ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनको सांसद बोला जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, अधिकतम 552 हो सकते हैं। इसके अलावा और कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा का साथियों जो चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता द्वारा चुनाव होता है, जनता द्वारा चुनाव होता है। तो लोकसभा से इतने क्वेश्चन फैक्ट बन सकते हैं आपके कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। और एक और यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर और हमारे डाउट आ सकते हैं बच्चों के, तो यहां पर लोकसभा के बारे में आपको दो बातें और बता देता हूं। यानी कि यह जो सदन है यह अस्थायी सदन है। यह कैसा है? अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन से मतलब क्या है? यानी कि राष्ट्रपति कभी भी इसको भंग कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इसको भंग कर सकते हैं, प्रेसिडेंट इसको भंग कर सकते हैं। ये इसलिए इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। तो साथियों लोकसभा से जितने क्वेश्चन बनने थे मैंने यहां पर चर्चा कर ली है। एक क्वेश्चन और बच जाता है, यानी कि लोकसभा की मैं बात करूं तो
तो लोकसभा के जो सदस्य बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की उम्र, यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो बनने की जो उम्र कितनी होनी चाहिए, बनने की उम्र, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी साथियों, 25 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष। अब लोकसभा से कोई भी क्वेश्चन आएगा, यहीं से एक क्वेश्चन चलो मैं करंट का भी कर देता हूं, यानी कि 2024 की जो लोकसभा हुई है ये कौन सी लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है, यानी कि 2024 की जो लोकसभा है यह है 18वीं लोकसभा है। तो साथियों लोकसभा से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, यानी कि लोकसभा से इतने क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इनकी चर्चा कर लेता हूं मैं। तो साथियों जिस तरीका से हमने लोकसभा को पढ़ा इसी तरीके से हम राज्यसभा को पढ़ते हैं। जैसे कि पहला तो यही क्वेश्चन यहां से बनेगा कि राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में सदस्य संख्या, राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी होगी, राज्यसभा में सदस्य संख्या ये होगी 250, 250। ठीक है, राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी होगी साथियों, 250। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कितनी है। यदि मैं वर्तमान की बात करूं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितनी है, तो साथियों वर्तमान में है 245, 245। ये 245 किस तरीके से है, ये 245 इस तरीके से है कि राज्यों से कितनी है, राज्यों से है साथियों 33, और जो केंद्र शासित जो यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे है 12। यानी कि नहीं, राज्यों से और यूटीज से, राज्यों से और यूटी से दोनों से मिलाकर होगी 33, और राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं कितने, यानी कि मनोनीत सदस्य कितने होते हैं इसमें, 12। मनोनीत सदस्य कितने होते हैं इसमें, 12। तो ऐसे करके कितनी संख्या बैठ जाती है, 245। मनोनीत कौन करते हैं, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसके अलावा राज्यसभा से और क्वेश्चन किस किस तरीका से बन सकते हैं, क्वेश्चन यही बनेगा कि इसका चुनाव किस तरीके से होता है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, यानी कि इसका चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और साथियों लोकसभा का कैसे बताया था मैंने, प्रत्यक्ष तरीके से बताया था। तो जो चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से मतलब क्या है, यानी कि राज्य की जो विधानसभा होती है, राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाएं, राज्य जो राज्यसभा का चुनाव होता है इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं, इसमें जनता सीधे तौर पर चुनाव नहीं करती। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन राज्यसभा से बन सकते हैं, पहला तो यही बन सकता है यह एक स्थायी सदन है, यह एक स्थायी सदन है, यानी कि यह कभी भी भंग नहीं होगा, यह कभी भी भंग नहीं होगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके अलावा राज्यसभा का जो अगर हम बोलेंगे राज्यसभा का सभापति कौन होगा, राज्यसभा का जो सभापति होगा ये होगा साथियों उपराष्ट्रपति, ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा का सभापति होगा कौन साथियों, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसके अलावा राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल भी आप यहां पर नोट कर लो कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा ये कार्यकाल होगा 6 वर्ष का, यानी कि 6 वर्ष का राज्यसभा का कार्यकाल होता है। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो उसको भी देख लो, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, बनने हेतु आयु चाहिए 30 वर्ष, 30 वर्ष। इतने क्वेश्चन राज्यसभा से बनेंगे, यहां पर मैंने सब कुछ बता दिया आपको, यानी कि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, मैक्सिमम 250, वर्तमान में 245 है, जिसमें 233 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से 33 हो गए, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। इसका चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, राज्य की विधानसभाएं राज्यसभा के सदस्यों को चुनती हैं। इसके अलावा यह एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होगा, इसका सभापति होता है उपराष्ट्रपति,
इसके अलावा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन हैं जो यहां से बन सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं राज्यसभा के बारे में, जो चर्चा की गई है ये की गई है आर्टिकल 80 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी फैक्ट पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये तो हुई राज्यसभा और लोकसभा की बात। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी संरचना राज्य के विधानमंडल की बता देता हूं। तो राज्य के विधानमंडल की बात करें तो मैंने आपको राज्य के विधानमंडल में दो सदन की चर्चा की थी। विधानमंडल में साथियों दो सदन की चर्चा की थी। ये दो सदन कौन कौन से हैं? ये दो सदन है, एक तो है विधानसभा और एक है विधान परिषद। तो पहले मैं आपको थोड़ा विधानसभा के बारे में बता दूं। विधानसभा क्या होती है? पहले हम करेंगे विधानसभा। जिस तरीका से केंद्र के स्तर पर वो लोकसभा होती है, ऐसे राज्यों में विधानसभा होती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों विधानसभा में जो सदस्य हो सकते हैं ये कितने हो सकते हैं? अधिकतम अधिकतम कितने हो सकते हैं साथियों? अधिकतम जो हो सकते हैं ये हो सकते हैं 500। कितने हो सकते हैं अधिकतम? अधिकतम हो सकते हैं कितने? 500। यानी कि किसी भी विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकते हैं। लेकिन अब बात यह भी आती है कि कम से कम कितने होंगे, तो मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम जो होंगे ये होंगे साथियों 60। ये आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कितने सदस्य होंगे? 60 सदस्य होंगे। इसके अलावा विधानसभा की अगर मैं बात करूं उम्र कितनी होनी चाहिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए, तो उम्र कितनी होनी चाहिए? ये उम्र होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। ये आपको लगभग पता होना चाहिए। यहां से भी कई कबार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आपको एक बात और बता दूं, विधानसभा का जो चुनाव होता है साथियों, ये जो चुनाव होता है इसका चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष तरीके से होता है। यानी कि आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री के इलेक्शन होते हैं तो उन मुख्यमंत्री के इलेक्शनों को विधानसभा का चुनाव बोला जाता है। इनका चुनाव जनता सीधे रूप से विधायकों को चुनती है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है साथियों? तो विधानसभा के अगर थोड़ी सी मैं बात करूं कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ये कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए विधानसभा चुनी जाती है। और विधानसभा के सदस्यों को क्या बोला जाता है साथियों? एमएलए, यानी कि एमएलए इनको बोला जाता है। ये हुई विधानसभा से बात। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं विधान परिषद के, क्योंकि दो सदन होते हैं। तो विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की भी थोड़ी सी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका सदस्य कैसे कैसे बना जाता है। तो साथियों विधान परिषद की पहले हम संख्या की बात करता हूं। तो विधान परिषद की संख्या कितनी होती है? तो जिस राज्य में विधान परिषद होगी उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के, कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई, यानी कि एक तिहाई सदस्य होंगे। साथियों समझ में आया? यानी कि जिस राज्य की विधानसभा होगी उस राज्य की विधानसभा का एक तिहाई सदस्य विधान परिषद में होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल यूपी का दे देता हूं। यूपी में 403 सीट किसकी है? विधानसभा की है। अब विधान परिषद में कितनी होंगी? तो आप यहां पर आप निकाल सकते हो कि टोटल का एक तिहाई होगा वो यूपी में विधान परिषद की संख्या होगी। और ये यूपी पर लागू नहीं होती है बल्कि भारत के जितने सारे स्टेट हैं सब पर लागू होती है। यानी कि जिस राज्य की जितनी विधानसभा की सीटें हैं उस टोटल का एक तिहाई सीटें किसमें होंगी? राज्य की विधान परिषद में होंगी। विधान परिषद का चुनाव भी दोस्तों अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है चुनाव, अप्रत्यक्ष। यहां पर आप लिख लो थोड़ा चुनाव, इसका जो चुनाव होता है इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। यह इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है साथियों? 6 वर्ष का होता है कार्यकाल, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। इसके लिए विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए?
ये चाहिए, न्यूनतम आयु चाहिए साथियों कितनी, 30 वर्ष, यानी कि उम्र कितनी चाहिए, उम्र चाहिए 30 वर्ष, ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो मैंने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बातें बता दी। एक बात और नोट कर लो कि विधान परिषद और विधानसभा कितने राज्यों में है, यह भी क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, विधान परिषद कितने राज्यों में है, कितने राज्यों में है, यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये है 6 राज्य, यानी कि विधान परिषद 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो 6 राज्य हैं, पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश, कौन सा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी बिहार महाराष्ट्र हो गया, इसके बाद आएगा तमिलनाडु, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश, कौन सा आएगा साथियों, आंध्र प्रदेश हो गया, और फिर है तेलंगाना, कौन सा, तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद भी है, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें विधान परिषद भी है और विधानसभा दोनों हैं। अब एक और क्वेश्चन कभी का पूछ लिया जाता है आपसे, वो भी थोड़ा बता देता हूं मैं, कि विधान परिषद का निर्माण किसके द्वारा होगा, तो दोस्तों विधान परिषद का जो गठन होगा, ये गठन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, यानी कि विधान परिषद का जो गठन करेगी संसद करेगी, और इसको समाप्त भी करने का अधिकार किसको है, यानी कि विधान परिषद को समाप्त करना है तो समाप्त करने का अधिकार भी संसद को दिया गया है साथियों। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने विधायिका के बारे में बताया, यानी कि संघीय विधायिका के बारे में बताया, राज्य की विधायिका के बारे में बताया, संसद के कितने अंग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के बारे में चर्चा की, राज्य की विधायिका राज्य का विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा विधान परिषद के बारे में चर्चा की। इसके अलावा 3-4 वीडियो और आनी है, इसके बाद हमारी पॉलिटिकल सीरीज खत्म हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों।